का मतलब सी और डी का रेशियो फिक्स है, सी और डी का रेशियो सी बाई डी अगर कॉन्स्टेंट है मतलब सी और डी का रेशियो फिक्स है, यानी सी इज इक्वल टू के डी, यानी सी और डी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये भी मैं बोल सकता हूं? अगर मैं बोलूं प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो कॉन्स्टेंट है मतलब प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पी और वी, अगर पी और वी का रेशियो, अगर मान लो पी और वी का रेशियो कॉन्स्टेंट हो गया तो इसका अर्थ यह हो गया कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिश्ता से जुड़ चुका है। यानी वॉल्यूम डबल तो प्रेशर डबल, वॉल्यूम ट्रिपल तो प्रेशर ट्रिपल। मान लो वॉल्यूम को 3 times कर दिए 3V हो गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली 3P हो जाएगा, तो भी क्षमा क्षम हो जाएगा, अगेन रेशियो कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? यानी जब भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का रेशियो अगर कांस्टेंट मिल जाए तो मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से जुड़ा हुआ रिश्ता। अगर मैं कहता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, y x के इनवर्सली है, यानी x घटेगी तो y बढ़ेगी, x बढ़ेगी तो y घटेगी। आइए जरा इसको भी चार्ट से समझाते हैं। बोलिए x की वैल्यू y लेके चल लूं? हेलो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7, यही ले लेता हूं, है ना? बोलो x की वैल्यू डबल कर दे बच्चों, देखना अच्छे से, देखना अच्छे से, देखो x डबल कर दे 12 हो गया, y क्या होगा जानते हो? आधा हो जाएगा। अच्छा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है, अगर वो ट्वाइस होगा तो ये आधा हो जाएगा, वो अगर 3 गुना होगा ये 1/3 हो जाएगा, ये अगर 4 times होगा ये 1/4 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे रिश्ता को ही तो कहते हैं इनवर्सली। समझ में आया? चलो, तो x को माना कि 6 है तो उस वक्त y 7 है, और अगर x तूने कोशिश करा डबल करने की 12 कर दिया तो y क्या हो जाएगा? 7/2। अगर x को तूने 3 times कर दिया यानी 18 कर दिया तो ये 7/3 हो जाएगा वैल्यू। मानते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसमें यूनिक बात क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? इसमें यूनिक बात देखने को क्या मिलेगा? y और x का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट देखो क्या मिल रहा है, 7 × 6 = 42 और 7/2 × 12 अगेन 42, या 7/3 × 18 अगेन 42। गजब। यानी y और x का प्रोडक्ट जो है साला वो क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी क्या मैं इस बात को इस मद्देनजर रखते हुए क्या मैं y और x की प्रोडक्ट को कांस्टेंट कह सकता हूं? क्या समझ में आया? y x बदले, y बदलेगी, x जैसे चेंज होना होने दो y भी चेंज होगी, लेकिन y और x का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट। अगर y x का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मतलब y x में रिश्ता इनवर्सली है। आया? बोलो। तो y इज इक्वल टू, ऐसे भी देख लो y बराबर के y x, सर इसको हटा दो तो k गायब हो जाएगी, नहीं आया। यानी ये 10th क्लास का था कंसेप्ट, लेकिन मेरे को बताना था क्योंकि आपको और आगे काम आएगा ये। ठीक है, फिलहाल ये इसको नोट करना जरूरी नहीं है, और नोट करना मेनली ये बात है, ठीक है, बट ये मेरे को समझाना जरूरी था। तो यानी आप बताओ कि दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो मुझे क्या ज्ञान दे रहा है कि उन दोनों क्वांटिटियों में कैसी रिश्ता है? इनवर्सली। और अगर दो चीजों का रेशियो कांस्टेंट है तो उन दोनों में क्या रिश्ता है? डायरेक्टली। अपन डायरेक्ट समझ जाएंगे कि नहीं? बोलो। बहुत अच्छा, आजा समझाते हैं रिलेशन बिटवीन नंबर एंड यूनिट। नंबर किसकी मैग्नीट्यूड का हिस्सा है और यूनिट भी किसका है हिस्सा है? मैग्नीट्यूड का ही। चलो आजा देखते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 6 meters, मान ले कोई बॉडी का लेंथ है, ठीक है, और किसी बंदे ने इसी को 600 सेंटीमीटर लिखता है, तो दोनों चीज तो एक ही ना है बच्चों? 6 meters कह लो या 600 सेंटीमीटर कह लो, दोनों चीज तो एक ही है। मेरे को ये बता, ये 6 meters और 600 सेंटीमीटर दोनों मैग्नीट्यूड एक ही है कि अलग अलग है? मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैं कह रहा हूं 6 meters और 600 सेंटीमीटर जो मैग्नीट्यूड है वो एक ही है या अलग अलग है? अरे भैया 6 meters बोल, 600 सेंटीमीटर बोल, वैल्यू तो वही ना है। मैं बोलो 6 meters का एक रॉड देना और दूसरा बंदा बोले 600 सेंटीमीटर का रॉड देना, क्या दोनों का लंबा छोटा मिलेगा कि बराबर मिलेगा? अरे तो बराबर मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड थोड़ी ना अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। लेकिन अगर तू नंबर की बात करेगा पर्सनली तो 6 है नंबर और नंबर 600 हो गया, एक स्टूडेंट 6 meters बोल रहा है, एक स्टूडेंट 600 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो नंबर बढ़ा के बोला तो यूनिट को घटाना पड़ गया। नंबर जैसे बढ़ी तो यूनिट घट गया कि नहीं? बोलो। अच्छा सही बात है सर, नंबर बढ़ा तो यूनिट घट गई, नंबर की साइज बड़ी हुई यूनिट की साइज अपने आप एडजस्ट हो गई, उसके अकॉर्डिंग छोटी हो गई। लेकिन नंबर यूनिट का प्रोडक्ट क्या बदली? ये नंबर ये यूनिट की जो प्रोडक्ट है, ये नंबर यूनिट की जो प्रोडक्ट है, ये चीज एक ही है कि अलग है? नंबर बदल रही है, यूनिट बदल रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन नंबर यूनिट का प्रोडक्ट क्या बदलते ही है?
नंबर यूनिट का प्रोडक्ट वही है। अगर मन चाहे किलोमीटर में लिखना है तो 0.006 किलोमीटर, सही है। 1000 से डिवाइड कर दिया, बोल नंबर छोटी हुई कि बड़ी हुई, यूनिट का हो गया, बड़ी हो गई ना मीटर के कंपेरेटिवली, लार्ज हो गई ना यूनिट। अच्छा, तो नंबर जितना छोटा करोगे यूनिट बड़ा होगा ऑटोमेटिकली, नंबर बड़ा करोगे तो यूनिट छोटा हो जाएगा। मिलीमीटर में लिखो ना और बड़ा हो जाएगा नंबर, ढेर सा जीरो बढ़ जाएगा, नहीं। अच्छा, ये बात तो सही है। तो क्या बोलो, नंबर बदल रही है, यूनिट भी बदल रही है, तो नंबर यूनिट में रिश्ता है कि नहीं, जल्दी बोल है। कैसी रिश्ता, नंबर यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट लिख सकता हूं क्या? इस बात को मद्देनजर रखते हुए एन एन बदली, एन बदली, यू बदली, लेकिन एन और यू का प्रोडक्ट नहीं बदली, तो एन और यू कांस्टेंट है। एन इनटू यू इज इक्वल टू के, एन बराबर के अपॉन यू। अब आप समझ ही गए होंगे, ये साइन हटाओ के गायब हो जाएगा, इनवर्सली नंबर यूनिट में रिलेशन इनवर्सली होता है। ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया आपको? सबसे पहला टॉपिक हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, दूसरा टॉपिक मैग्नीट्यूड पढ़ा, और तीसरा टॉपिक ऑपरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा। और ऑपरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड में दो इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। पहला इन्फॉर्मेशन मिला कि मैग्नीट्यूड कितने पार्ट से मिलकर बनता है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन मिला कि मैग्नीट्यूड जो पार्ट से मिलकर बने हैं उस पार्ट में रिलेशन क्या है, और रिलेशन नंबर यूनिट में है।